नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा मरेजो के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम किसी भी तरीके से उसके डायमेंशंस, उसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर कंपैरिजन, रिव्यूज, वॉक अराउंड, इन सारी चीजों पर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को हम कंप्लीटली फोकस रखेंगे उन सारी चीजों पर जो कि ऐसे तथ्य हैं और कमियां हैं जो महिंद्रा की तरफ से इस गाड़ी के लिए छूट गई हैं, जिनके चलते आपको ये गाड़ी शत प्रतिशत नहीं खरीदनी चाहिए। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अंत में मैं तीन गाड़ियां आपको बताऊंगा जो कि हैरियर, हेक्सा और एक्सयूवी 500 है, उनके भी कुछ तथ्य इस गाड़ी के कंपेरिजन में बताऊंगा जिसके चलते आप अपना डिसीजन 100% बदल दोगे। इस गाड़ी के लिए यहाँ पर जो भी मैं कॉस्टिंग या किसी भी गाड़ी की कॉस्टिंग यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ वो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होगी। अपने शहर में आपको एक्चुअल कॉस्ट के लिए अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। मेरी मानिएगा तो बेसिकली मरेजो लॉन्च करने का लॉजिक ये था मेरे मायने में कि वो सारे लोग जिनको मारुति का अर्टिगा नाम का टीन का डिब्बा अगर पसंद नहीं है लेकिन उनके पास में इनोवा अगर खरीदने का बजट नहीं है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप हुआ करता था जिसमें एक 7-सीटर व्हीकल आ सकती थी। उस गैप के मद्देनजर उसे सोचकर महिंद्रा ने मरेजो को लॉन्च किया था। काफी अच्छी कोशिश है और काफी अच्छा एक टारगेटेड कस्टमर बेस है जिसे अपनी ओर खींचने की महिंद्रा ने यहाँ पर कोशिश की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मरेजो में अच्छाइयां नहीं है, कई सारी अच्छाइयां और खूबियां है इस गाड़ी में, लेकिन कुछ कमियां भी है तो हम उन अच्छाइयों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि YouTube पर आपको हजारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उन अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन सारी कमियों पर अब तक किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है, ना ही इन तथ्यों से किसी ने पर्दा उठाया है। इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश ये है कि आपने अपनी जो खून पसीने की कमाई जमा की है जिसे आप मरेजो में लगाने वाले हो, अगर मैं उसे सेव कर पाऊँ और अगर आप एक बेहतर व्हीकल ले पाए, अपने पैसे बचा पाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं महिंद्रा के खिलाफ हूँ, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि बीइंग एन इंडियन अगर टाटा या महिंद्रा प्रोग्रेस करती है तो मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जितनी किसी भी भारतीय को होगी। पिछले कुछ सालों में महिंद्रा ने और टाटा ने जिस तरीके से कमबैक किया और जिस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं और अपने आप को मार्केट में स्टेबल किया है, ये बेहद ही काबिले तारीफ चीज है। कुछ साल पहले महिंद्रा और टाटा एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा था और ऐसे कुछ हालात थे जिसमें लग रहा था कि ये आउट ऑफ इंडस्ट्री हो जाएंगे और इनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़कर आए और अपने आप को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के साथ में स्टेबल किया, ये लाजवाब और काबिले तारीफ है। लेकिन किसी भी कंपनी को, फिर भले वो कोई भी कंपनी हो, उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और हमें उन सारी गलतियों पर नजर रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए जो कि कोई भी कंपनी कर रही हो। यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि महिंद्रा ने XUV 300 के लॉन्च के साथ में भी कई सारी गलतियां की थी, उस पर एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपके लिए यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन सारी कमियों की जो मरेजो में रह गई हैं जिसके चलते आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए और अपने पैसे को बचाना चाहिए। सबसे पहली चीज, ये गाड़ी की प्राइस को जान लेते हैं। टॉप एंड मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसी में आपको सबसे बेस्ट और सारे फीचर्स मिलेंगे जिसकी 8-सीटर की कॉस्ट है मुंबई के लिए 14,38,000 रुपए। ये बेसिक कॉस्ट है, ऑन रोड कॉस्ट नहीं। अगर इतने पैसे आपको लगाने हैं और उतने पैसे लगाने के बाद में भी आपको अगर अप मार्केट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, मॉडर्न एज फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो ये कहाँ की समझदारी होगी। तो चलिए जानते हैं उन फीचर्स को जो इस गाड़ी में मिसिंग है। सबसे पहला फीचर और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों इस गाड़ी में, वो है गाड़ी में सिर्फ 2 एयरबैग। टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी आपको गाड़ी में सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, आपको 6 एयरबैग या 7 एयरबैग का ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं मिलता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, आपको इस गाड़ी में मॉडर्न एज फीचर्स के तहत पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है। तीसरी जरूरी चीज दोस्तों, ये गाड़ी का काफी ज्यादा ओवरवेट होना और गाड़ी में बहुत ज्यादा बॉडी रोल होना। चौथी चीज है दोस्तों, गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। पांचवा, गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आएगा। छठा, आपको गाड़ी में पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
सनरूफ की जहां तक बात है, हो सकता है सराउंड कूल टेक्नोलॉजी जो रूफ में दी गई है उसके चलते शायद महिंद्रा ये क्लेम करे कि सनरूफ देने के लिए ऑप्शन या जगह नहीं बचती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि XUV 300 या इको स्पोर्ट्स में जितना छोटा सनरूफ आता है उतना एक छोटा सनरूफ आ सकता था। हालांकि सनरूफ मेरे मायने में वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, बेकार की चीज और पैसे बर्बाद करने की चीज है। ऐसा क्यों, इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से इसे आप देख सकते हैं। लेकिन हालांकि डिमांड मार्केट में पब्लिक और कस्टमर की बहुत ज्यादा होती है जिसके चलते कंपनियों को ये फीचर्स देना पड़ता है, तो गाड़ी में सनरूफ नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है और गाड़ी में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है जब मैं ये वीडियो रिलीज करूं तब तक एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑटोमेटिक का ऑप्शन शायद इस गाड़ी में आ चुका हो। आगे मुड़ते हैं और जानते हैं कि गाड़ी में और कौन सी चीजें मिसिंग है। 14,38,000 रुपए देने के बावजूद भी गाड़ी में आपको कम्प्लीटली लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं आती है, इसमें आपको नकली यानी कि डुप्लीकेट बट क्लोज टू लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, एक्चुअल और प्योर लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती है। उसके बाद में अगली चीज है दोस्तों, इस गाड़ी में आपको किसी भी तरीके से सेफ्टी के मायने में हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, ऐसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो इतने पैसे देने के बावजूद भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं। अगली जरूरी चीज है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन महिंद्रा की अपनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। गाड़ी में आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है, इसमें टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं आता है आपको, और इस गाड़ी में आपको लैक ऑफ पावर 1000 RPM से लेकर 1600 RPM तक आपको पावर की बहुत ज्यादा कमी महसूस होगी। इस गाड़ी में कई सारी जगहों पर आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके डिजाइन ओल्ड है, अप मार्केट और मॉडर्नाइज नहीं है, जैसे कि AC के वेंट्स, एयर कंडीशन की कंट्रोल यूनिट और पावर विंडोज के बटन्स, ऐसी कई सारी जगह है जहां पर इसकी डिजाइन काफी सारी ओल्ड और आउटडेटेड लगती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, डिफिकल्ट टू ऑपरेट हैंड ब्रेक। एक एयरक्राफ्ट की तरह एक हैंड ब्रेक यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, जो कि काफी अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा डिजाइन भी है और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है इसकी पोजीशनिंग और जिस तरीके से इसे जहाँ पर रखा गया है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। उसके चलते अगर हैरियर में आप देखें तो टाटा ने उसे ज्यादा बेहतर तरीके से पोजिशन किया है। जब भी आप गाड़ी में यानी कि मारियाजो में अगर हैंड ब्रेक लगाते हैं तो उसी के नीचे जो आपको कप होल्डर है और स्टोरेज स्पेसेस हैं, हैंड ब्रेक लगाने के बाद में उन स्टोरेज स्पेसेस को एक्सेस करना आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इनकन्वीनियंस पैदा करता है। इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हैंड ब्रेक की पोजीशन और डिजाइनिंग को थोड़ा चेंज किया जा सकता था, जिसके चलते अगर आपको एयरक्राफ्ट की तरह ही रखना था तो भी इसे चेंज करना चाहिए था पोजिशन को, ताकि वो स्टोरेज स्पेसेस एक्सेस करने में तकलीफ ना हो। इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी मारियाजो में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं आता है, जो कि आपको क्रेटा में मिल जाता है। प्लस इस गाड़ी में आपको किसी भी तरीके से मल्टी ड्राइव मोड्स नहीं मिलते हैं, जो कि आपको बाकी सारी गाड़ियों में यानी कि हैरियर में आ जाता है, आपको कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं हेक्सा में मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको मल्टी ड्राइव मोड्स नहीं मिलते हैं। अगली जरूरी चीज दोस्तों, अगर आप थर्ड रो पर जाते हैं तो थर्ड रो पर जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए आपको एक हेडरेस्ट नहीं मिलता है और थर्ड रो पे आपको कोई भी आर्म रेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये भी एक कमी मुझे यहाँ पर लगती है। अगली जरूरी चीज जो मुझे लगती है दोस्तों कि गाड़ी में लो प्लास्टिक क्वालिटी का यूज होना, जैसे कि ग्लव बॉक्स अगर आप देखें या डोर का प्लास्टिक देखें तो उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही लो लगती है, ये किसी भी तरीके से प्रीमियम और अप मार्केट नहीं लगती। और इसमें एक और चीज अगर हम जोड़े तो मिडिल सीट पर अगर हम बैठे सेकेंड रो पर और दरवाजों में अगर आपको बॉटल रखनी है या बॉटल निकालनी है मिडिल सीट पर, तो आपको दरवाजे पूरी तरीके से खोलने पड़ेंगे। बंद दरवाजों में आप बॉटल इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ना ही उसे निकाल पाओगे, ये बहुत ही बड़ा डिसकंफर्ट और इनकन्वीनियंस का ऑप्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की, महिंद्रा के पास अपनी खुद की प्रोडक्ट लाइन में XUV 300 है, जो इससे कम प्राइस में आती है और कई गुना ज्यादा फीचर्स देती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम मारियाजो को कंपेयर करें तो ये गाड़ी कम्प्लीटली फीचरलेस और यूजलेस आउटडेटेड लगती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई वो 5-सीटर व्हीकल है और उसे आप मारियाजो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो कुछ पलों के लिए हम XUV 300 को साइड में रख देते हैं। अगली गाड़ी अगर हम इसे कंसिडर करें
14,38,000 यानी कि 14,38,000 रुपए अगर आप मरीजों के लिए दे रहे हो, तो उसमें अगर आप 57,000 और ऐड करो और 14,95,000 रुपए में अगर आप हैरियर का XT मॉडल यानी कि जो सेकेंड टॉप मॉडल है हैरियर का, अगर आप वो लेकर आते हो, तो वो गाड़ी भी इससे कई गुना ज्यादा फीचर रिच, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और कई सारे मामलों में बहुत ज्यादा बेहतर और लोडेड गाड़ी है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भैया ये भी 5 सीटर गाड़ी है, भले ही स्पेशियस हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन ये भी 5 सीटर है और आप इसे मराजो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मराजो 7 सीटर आती है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक और ऑप्शन है दोस्तों, 14,38,000 में मराजो आती है। अगर आप 14,39,000 यानी कि 14,39,000 स्पेंड करते हो, तो उसमें आपको हेक्सा का XM वेरिएंट आ जाता है, जो हर एक मामले में इस गाड़ी से कई गुना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फीचर देता है, ज्यादा सेफ्टी देता है, ज्यादा पावर देता है, ज्यादा कंफर्ट, कन्वीनियंस, कई सारी चीजें हैं जो इससे कई गुना बेहतर है, जिसके चलते मुझे ऐसे लगता है कि मराजो को खरीदना कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है। एक और चीज मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा दोस्तों कि महिंद्रा की अपनी प्रोडक्ट लाइन में XUV500 नाम का एक प्रोडक्ट ऑलरेडी उनके पास में है। अगर जो बंदा 14,38,000 रुपए खर्च करने की कैपेसिटी रखता है, उसके लिए 40-50,000 60-70,000 रुपीस बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप 73,000 और ऐड करें मराजो की प्राइस में, तो आपको XUV500 का W7 ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाएगा। वो वेरिएंट भी मराजो से कहीं गुना ज्यादा बेटर है, फीचर रिच है, पावरफुल है, सेफ है, कई सारी अच्छाइयां उसमें जो आपको मराजो में नहीं मिलेगी। इन सारी चीजों के चलते मुझे नहीं लगता है कि आपको मराजो खरीदनी चाहिए, चाहे फिर आप उसे XUV300 से कंपेयर करें, हैरियर से कंपेयर करें, एक्सा से कंपेयर करें या XUV500 से कंपेयर करें। सेफ्टी, कन्वीनियंस, कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, पावर, राइड एंड हैंडलिंग, इन सारे मामलों में और इससे कई गुना और बेहतर मामलों में मराजो से ये सारी गाड़ियां कई ज्यादा बेहतर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग है, तो आपको मराजो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। XUV500 का W7 वेरिएंट आपको इससे कई ज्यादा फीचर रिच आएगा, प्लस आपको इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि मराजो में आपको अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को और तथ्यों को अगर आप ध्यान में रखें तो मराजो खरीदना एक घाटे का सौदा हो सकता है और आपको पछताना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको एक सही डिसीजन और अपने पैसे बचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी और अपने लिए एक सही कार आप चुन पाओगे। आपको क्या लगता है कि अभी भी इन सारी चीजों के चलते और कमियों के चलते आप फिर भी अगर मराजो लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो ओपिनियन है वो जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि मराजो की कंपैरिजन में आपको XUV300 लेनी चाहिए या हैरियर का सेकेंड टॉप XT मॉडल लेना चाहिए जो 14,95,000 रुपए में आएगा, या फिर 14,39,000 में आपको हेक्सा का XM वेरिएंट लेना चाहिए, या फिर महिंद्रा XUV500 का W7 ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय ज्यादा जरूरी है। मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर मराजो को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ये सारे तथ्य हैं जिनको एक कंज्यूमर को सोचना चाहिए मराजो लेने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।